नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ शेयर्स को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि 13 दिसंबर के दिन हमें शेयर्स में एंट्री ले सकते हैं या नहीं। फिर या तो हम ये देखेंगे कि जिस शेयर में हमने एंट्री ली हुई है, जिस शेयर में हम बने हुए हैं, क्या उसमें हमें अभी बने रहना चाहिए, उस शेयर्स को होल्ड करना चाहिए कि अब एग्जिट का टाइम आ गया है। जैसे कि आज का हमारा जो पहला शेयर है वो है अमर राजा बैटरी। इसमें आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे, यहाँ पे एक हमारे लिए बाइंग की पोजीशन है 635.90। ये हमारी बाइंग एंट्री है। और जब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 605.75, टारगेट रहेगा 683.90। दोस्तों, अगर कल के दिन मार्केट एक अच्छी बढ़त के साथ ओपन होता है तो आपको वेट करना है कि प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के पास आए, तब इस शेयर में हम अपनी एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के हम डेली चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि चार्ट हमें क्या बताना चाहता है। जब आप डेली चार्ट पे जाते हैं तो आप डेली चार्ट को देख के समझ सकते हैं कि ये शेयर में अभी तक क्या चल रहा है, ये शेयर बढ़त की ओर है या फिर ये शेयर में गिरावट आई है। अगर आप डेली चार्ट पे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की गई है 5859.57। आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर आपको एक भी क्लोजिंग नहीं मिली है। ये लाइन के पास आकर ये प्राइस नीचे की ओर आ गई है। यानी कि अगर आप चाहते हैं ये शेयर में अपनी एक नई पोजीशन बनाना, तो फिर आपको देखना होगा कि आपके पास कोई पॉजिटिव इंडिकेशन हो या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो। अगर आप इस शेयर में अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाई है तो आप ये शेयर से एग्जिट ले सकते हैं, आपका जो मुनाफा है वो लेके आप यहाँ से निकल सकते हैं। या फिर अगर आप इस शेयर में बने रहना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करते जाइए, ताकि जो अगर इस शेयर में ज़्यादा गिरावट आए तो जो आपका मुनाफा है वो बना रहे। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा के हम वीकली चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एक हमारे लिए लॉन्ग की पोजीशन है। आप देख सकते हैं शेयर में एक अच्छी गिरावट आई है और फिर यहाँ से शेयर ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार दिख रही है। जो हमारी एंट्री पॉइंट रहेगी वो है 692.80, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 619.90 और टारगेट रहेगा 838.70। यानी कि आपका टारगेट आने में आपको कम वीकली लगेगा, हो सकता है 10-15 दिन में ही आपका टारगेट यहाँ तक आ जाए, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के हम वीकली चार्ट पे जाएंगे, इसके हम वीकली चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या दिखाना चाहता है शेयर्स। अगर आप इसके मंथली चार्ट पे पहले चलिए, मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी महीनों से ये शेयर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका आप रेंज देख सकते हैं 237.97 टू 193.07, यानी कि इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, ना ये ऊपर की ओर जा रहा है ना नीचे की ओर। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको सेम सिनारियो यहाँ दिखेगा, वीकली चार्ट देखिए या फिर डेली चार्ट। तो जब तक ये या तो ऊपर की ओर आपको अच्छी खासी कैंडल के साथ क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक आप ना बाइंग की ओर जा सकते हैं, ना ही जब तक ये नीचे की ओर आपको गिरावट की ओर संकेत ना दे तब तक आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो ये शेयर्स को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं जब तक ये शेयर आपको कहीं ब्रेकआउट ना दे ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अगर आप इस शेयर में बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जब तक ये शेयर 237.79 के ऊपर ना चला जाए, एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ आपको यहाँ पे ब्रेकआउट ना मिल जाए, तब तक आप इस शेयर को इग्नोर कर सकते हैं। और इस शेयर को आप कंटिन्यू फॉलो करिए कि कब आपको इस शेयर में आपकी लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।